ये देखिए जी, अभी हमने अपनी भैंसें और गाय ना अंदर से बाहर नहीं निकाली क्योंकि बारिश हो रही थी, बाहर काफ़ी गीला हो चुका। ये देखिए जी, ये हमारी हवेली है, इसमें कैसी गीली हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम अपने मुर्गों की तरफ आते हैं। ये जो असील मुर्गियाँ थी वो उठ की है, इनके ऊपर काफ़ी बारिश होगी रात शाम टाइम में। तो ये हमारा शेड भी था, ये भी पहले तो उड़ गया था तो हमने दोबारा सेट किया इसको। तो अब ये मुर्गी उठ गई है, दूसरी वाली जो स्लेटी मादी उठ गई है वो दूसरी वाली तो ऊपर से ये पानी भी निकाल देते हैं इसके जो था। तो हमने वो पानी उतार दिया, अब इनको दाना वगैरह डाल देंगे। तो हमने आज भैंसे भी बाहर नहीं निकाली क्योंकि ये काफ़ी जगह ना चिक्कड़ वगैरह हो चुका है यहाँ पे। ये देखो पानी खड़ा हुआ है बारिश की वजह से, तो बादल भी तकरीबन जा चुके हैं, हल्के हल्के से बादल हैं। ये देखिए जी, आपको दिखा रहा हूँ। तो दूसरी जो हमारी मुर्गी है ना वो भी कह रही हैं कि मुझे छोड़ दो, ये वाली ब्लैक, ये देखिए जी। ठीक है, तो इन्हें भी छोड़ दें, यहाँ पे भी पानी पानी हो गया था। तो वो एक आदमी खला निकाल रहा है, उसकी सफाई वगैरह कर रहा है। तो मैं सबसे पहले जो अपनी असील मुर्गी है ना उनको छोड़ता हूँ, उनको दाना वगैरह डालता हूँ। ये देखिए जी, वो है पहले दाना हम डाल दें। दाना कहाँ पे हमने रखा था? वो रखे थे इसमें भी, मेरे ख्याल में लगता दोबारा फिर पानी हो गया ऊपर जो है ना उस, इसमें थोड़ा सा ही है पानी क्योंकि दीवार के साथ हमने रखा था इस वजह से कि पानी इसके अंदर ना जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ से दाना निकालते हैं। क्योंकि ये मुर्गियाँ भूखी थी और रात इन पे बारिश भी होती रही, वो भी देखे जी। अभी अंदर जाके मुझे लगता है उसको खुद उठाना पड़ेगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, एक बच्चा निकला है, एक लगता मर गया ये वाला। ठीक है, इसलिए नहीं ये उठ रही मेरे ख्याल में, तो उठाना पड़ेगा एक दफ़ा क्योंकि दाना शाना खा ले। तो अब क्या करते हैं, अभी तो बच्चे निकल रहे हैं उसके, तो उठा के एक दफ़ा दाना वगैरह डाल देते हैं। तो इतने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे मेरे ख्याल में। चलो उठा के बाहर फेंक देते हैं ना एक दफ़ा इसको, मुर्गी को। वो हमने बाहर छोड़ दिया, ये दाना शाना खा ले। तब तक ये देखते हैं ये बच्चे को कैसे क्या हुआ। ये इसके नीचे आ चुका है, क्या बना है पता नहीं। इसको अभी ये अभी पहला दिन है शायद। ये देखिए जी हमारी मुर्गियाँ, वो मुर्गी नहीं उठने का नाम ले रही, मैंने उठाई तो थी मगर दोबारा फिर अंदर चले गई है। तो ये दिखा देते हैं जी, ये एक बच्चा भी मर चुका है हमारा, तो एक बच्चा भी उसका निकला है मुर्गी का। तो हमने फिर उसे अंदर ही बिठा दिया उसके अंडों पे, वो बाहर निकाली थी तो फौरन अंदर चले गई है। तो रात बारिश होती रही, ये पता नहीं बारिश की वजह से मर गया बच्चा, पता नहीं क्या बनाए इसे। तो ये हमारे जो स्लेटी मादी और दूसरा सील है ना बड़ा मुर्ग, वो बाहर है। तब तक हम अपनी जो दूसरी मुर्गी है ना उनको भी छोड़ देते हैं।
ये वाली मुर्गियाँ इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि रात की बारिश वारिश हो चुकी, बारिश हो गई काफ़ी रात की, तो हमें ये रखेंगे, इनको भी छोड़ देते हैं। ये देखो जी बाहर मुर्गी घूमने लग जाएंगे, तो ऐसे दौड़ रही हैं, तो इसके बाद हम अपने दूसरे जो कबूतर हैं उनकी तरफ चलते हैं। हमने कबूतरों को भी दाना डाल दिया अंदर, ठीक है, तो ये दोनों ही कबूतर आ चुके हैं, तो आज हमने चेंज करने जाना है। एक नर को छोड़ के आना, उसकी जगह मादी लेके आनी है, और साथ में इनको भी रोटियां डाल दी हैं, ये जो असील मुर्गे थे हमारे।